जशपुर जिले में नक्सलियों की सुगबुगाहट के बाद जिले की पुलिसिंग सतर्क हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जशपुर और झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे 14 ग्रामों में नक्सल संदिग्ध पर अंकुश लगाने एसपी शशि मोहन के नेतृत्व में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन ने बताया कि जशपुर में नक्सली वारदात पिछले 5 वर्ष से नहीं हुई है, किंतु बस्तर में नक्सलियों पर पड़ने वाली पुलिस के दबाव से नक्सली नए इलाके में अपना पैर जमाना चाहते हैं। ऐसे में जशपुर जिले में फिर से नक्सली पैर न जमा सके, इसके लिए जशपुर पुलिस काफी सतर्क है। जी सर, झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, जिसके तहत गुमला जिला और जशपुर जिला के संयुक्त तत्वाधान में एक नक्सल विरोधी अभियान के तहत एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का एक प्लान तैयार किया गया था, जिसे आज एग्जीक्यूट किया गया। और जैसा कि विदित है कि विगत दिनों हमारे जिले में जेजेएमपी के एरिया कमांडर अपनी टीम के साथ AK-47 के साथ पकड़ा गया था, तो पुलिस इस मायने में काफी सतर्क है। और हमारी कोशिश है कि चूंकि बस्तर में नक्सलियों के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है, तो वो किसी नए एरिया की तलाश में है, तो इस इलाके में जशपुर जिले में नक्सली पुनः पैर न जमा सके, इसके लिए झारखंड पुलिस के साथ मिलकर और हमारे सरगुजा रेंज के अन्य जिलों के साथ मिलकर लगातार कार्य योजना बनाई जा रही है। और एरिया डोमिनेशन सर्चिंग और आसूचना संकलन पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस तरह के